सैयद आया हुसैनी, एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत को उसका बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगर अपने ऊपर यकीन हो और कुछ करने की लगन हो तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस सामने आती है जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टीम पाकिस्तान की अंडर द कैप्टनसी शान मसूद दिखाई दे रही है। ये वो टीम है यकीन मानिए जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग बोले कि 2019 में जब अजहर अली पाकिस्तान टीम को दो टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड लेकर आए तो उनको लगा कि वो पाकिस्तान की अब तक ऑस्ट्रेलिया आने वाली कब से कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि ये जो बॉलिंग अटैक इस वक्त मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए हैं वो 2019-20 से भी कमज़ोर है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है मेलबर्न टेस्ट मैच में, तीन दिन में ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 318 और दूसरी इनिंग में एक मरहले पर निफ्स 100 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के चार टॉप बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे। वो खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जहां सिर्फ ब्लू शर्ट्स थी खामोश करा दिया था भारतीय तमाशाइयों को, उसको वेरी फर्स्ट बॉल पर बोल्ड कर दिया मीर हमजा ने, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि भाई इसकी तो गेंद ही नहीं पहुंच रही बल्ले तक, इसकी तो गेंद ही नहीं कैरी कर रही विकेट कीपर तक। फिर कहा यह गया कि जी हमारे तो मीडियोकर किस्म के बॉलर्स हैं और उन मीडियोकर किस्म के बॉलर्स ने तिगनी का नाच नचाया है ऑस्ट्रेलिया की उस बैटिंग लाइनअप को जिसमें स्मिथ है, जिसमें मिचेल मार्श है, जिसमें वॉर्नर है, जिसमें खौजा है, जिसमें मानोस लबोशान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। पहली इनिंग में वो 350 तो क्या करते, 318 पर गए और अब मैच में मजमूई बरतरी उनकी 241 रन है, चार विकेटें उनकी बाकी हैं। सेकेंड इनिंग में 187/6 मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि इस टीम के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, ये कभी भी कहीं भी आपको सरप्राइज कर सकती है। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया टीम पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने जो चार फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया, एक बेहतरीन फैसला। और इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन से हमारे बॉलर ने इस पिच के ऊपर सही लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। अब ये क्या देना कि जी अगर ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में 52 रन एक्स्ट्रा के ना होते तो शायद ये जो ऑस्ट्रेलिया की 50 से ज़्यादा रन की बरतरी है पहली इनिंग में वो कम होती। जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे है अगले दो दिन में 6 सेशन है और 2 दिन का खेल बाकी है, मैच है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर। और अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने यहाँ कमाल किया तो कमाल करेगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। 40 साल के बाद पाकिस्तान मेलबर्न में जीतने के करीब है। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 1995 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शिकस्त दी थी और सिडनी में टीम पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी, तो इससे बेहतर इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा। दांत खट्टे किए हैं हमारी टीम ने पहले 3 दिन मेलबर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को टफ टाइम दिया है। शान मसूद, अब्दुल्ला शफी अच्छा खेले हैं लेकिन इससे बढ़िया परफॉर्मेंस की जरूरत है। इसको छोड़ दीजिए कि अब्दुल्ला शफीक से क्या छूटा है, इस सीरीज में उन्होंने कई कैचेस ड्रॉप किए हैं, मार्श चले गए, उन्होंने फायदा उठाया, 70 रन ऐड कर दिए और अगर वो 70 रन ना बनते तो शायद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। तो जो हो गया उसको भूल जाइए, जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचिए और आगे क्या है। आगे जनाब टीम पाकिस्तान के लिए जीत की तख्ती दिखाई दे रही है, एक बात तो तय है, लेकिन उसके लिए पहले ऑस्ट्रेलिया के बाकी मानदार चार बैट्समैनों को अपने आकर पवेलियन लौटाना होगा और जो भी टारगेट टीम पाकिस्तान के लिए होगा 300 के अंदर टारगेट होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ा ही शानदार मैच होने जा रहा है मुझे ऐसा लगता है मेलबर्न में, और टीम पाकिस्तान के बल्लेबाजों का कड़ा और बड़ा इम्तिहान है। तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक शानदार परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की, जितनी तारीफ की जाए पाकिस्तान के बॉलर्स की, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा, हसन अली और पहली इनिंग में विकेट लेने वाले सलमान अली आगा जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैच लिया मीर हमजा की बॉल पर सेकेंड इनिंग में मिचेल मार्श का। खासतौर पर मीर हमजा ने जनाब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी रफ्तार, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, शाहीन शाह आफरीदी की रफ्तार को लेकर बात हो रही थी, उन्होंने भी जनाब जवाब दिया है अपनी परफॉर्मेंस के साथ और पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम जिसके बारे में एक आम तासुर यही था कि हर बार ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 3-0 से हार के आते हैं,
टाइम दिया है मुश्किल टीम ऑस्ट्रेलिया को, और अब ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करना होगी, ये बात तो तय है। लेकिन ये मैच अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बैट्समैनों पर है। आपकी राय का इंतजार रहेगा अपना, बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह हुसैनी आपसे इजाजत चाहेगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।